तो कुछ खाने पीने के लिए पूछ, ऐसे घर आया पेलने लग गई। एंड वी आर बैक इन टाउन। बहुत धमाल, बहुत मस्ती के बाद, इतने लंबे ट्रिप के बाद वापस आके घर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा मिस किया हमने हमारी फैमिलीज को, बेला को। गोल गोल घूम घूम के ना सर भी परेशान हो गया था मेरा। Exactly. बढ़िया यार, घर वापस आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं, चलते हैं उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, मिलते हैं उनसे। पापा इतने दिन से कह रहे हैं यार तुम। यार मैं सोच रहा हूँ प्रेरणा, सबने इतने मैसेजेस करे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब चल देखते हैं सबकी कितनी एक्साइटमेंट है, सब मिलना भी चाहते थे हमसे या नहीं, बस मैसेज करके बुला ही रहे थे। चलो चलो चलो। सबसे पहले आपको ना बेला का रिएक्शन दिखाती हूँ। कल जैसे मैं घर पे घुसी ना भाई, बेला तो भाई क्या पागल हो गई बिल्कुल। पूरा रिएक्शन ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर जितना किया उतना आपको दिखाती हूँ। लांगे मार रही थी, ऐसा करतब करके दिखा रही थी, कहती आ गए तो बेला। ये तेरे को भी करतब करके दिखा रही है, देख रही है। आ गई प्रेरणा की बच्ची धोखेबाज। और अभी भी मुझसे नाराज है, अभी दिखाती हूँ क्या कर रही है। बहुत परेशान किया तूने बेला को। हाँ ये तेरे लिए, तेरे लिए, तेरा गिफ्ट है, तेरा गिफ्ट है, पक्का तेरा गिफ्ट है। इधर दे मेरा गिफ्ट। उसको उसका गिफ्ट तो अच्छा लग गया, एटलीस्ट ये वाला पैंतरा काम आ गया। ओ माय गॉड, लुक एट हर। पहले तेरे तेरे को प्रेरणा चाहती हूँ बेला। बेला नहीं, मैं अकेले अकेले भाग गई है। बेला 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 प्लीज बेला बेला सॉरी। काट रही है, काट रही है। बेला से तू चपेट भी लगा। बेला काट मत यार। बेला से तू चपेट लगा। बेला काट। सॉरी बोल, कान पकड़ के बेला को। सॉरी बेला, सॉरी बेला, यहाँ पे। सॉरी बेला, सॉरी सॉरी। मुझे भी घुमा के ला। सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर, माफ कर दो प्लीज। मार इसके बेला, दो चपेट लगा। जान लेगी क्या मेरी? भाई बहुत काट रही है तो आज मुझे बहुत ज्यादा। डिजर्व करती है यार, मैंने कहा था बेला को ले चलते हैं ना, मैंने कहा था। नहीं बोलना। अच्छा लेके जाएंगे इस वीडियो पे 300 के लाइक्स, हम बेला को ले जाएंगे अगली बार ट्रिप पे अपने साथ। भाई बेला ने इतना जबरदस्त रिएक्शन दिया, मेरे को लग रहा मेरे पापा क्या रिएक्शन देंगे। वो मुझे वैसे मैसेज करके कह रहे थे वहीं बस जाओ, आना वाना तुमने है नहीं, चलते हैं अब उनसे मिलने। यार ये मेरे पास आ भी नहीं रही, मुझसे छुड़वा रही अपने आप को, क्या हो गया यार। सॉरी, इतना थोड़ी नाराज होते हैं। सॉरी बेला, आई मिस्ड यू। अकेले अकेले घुमाती है, मैं यहीं घर पे बैठी रह जाती हूँ, बहुत गुस्सा कर रही है तुझ पे ये। अच्छा तो इतना नाराज मत हो, मैं पक्का अगली बार तेरे को घुमाने लेके जाऊंगी अपने साथ, प्रॉमिस। लाइक इट बेला, तूने मुझे माफ कर दिया। और कोई ऑप्शन है मेरे पास? तू रहने दे, उसने कर दिया है ना भाई। बेला तूने बेला बेला माफ करा, नहीं कर दिया, तभी वो मेरे पास आके बैठी हुई है नहीं ना बेला। I missed you too, Prerana. Later that same evening. चलो अब घर चलते हैं। रिएक्ट तो ऐसे करिए जैसे 10 साल बाद मिल रही हो। नमस्ते, वेलकम बैक आफ्टर डेढ़ महीना। बिना कपड़ों के बैठे रहते हैं। दादाजी। यार ये तो बहुत स्मार्ट हो गया है, तो 40 दिन में। हाँ यार क्या बात है, सही है। मेरा पूरा मेरे से पूरा कंटेंट मिल कर रहे हैं, जब मैं कहता हूँ मेरे साथ वीडियो बनाओ तो मेरे साथ बनाते नहीं है। ऐड वगैरह बन गई, अबे दिखा तो सही कि हम अभी मिले। मैं कल ही मिला हूँ, ये वैसे कल मिल चुके हैं। अबे कैमरा के लिए भी तो मिल। एक्चुअली मेरा प्यार इनसे ज्यादा है ना, मैं इन्होंने वेट करा, मैं वेट नहीं करा, मैं कल ही मिल के आ गया। इसने बोला कि इतने दिनों पर मिलते हैं, मैंने कहा मेरे को तो पर वीडियो में रिकॉर्ड कर, मैंने कहा चल कोई नहीं पहले मिल लेते फिर कैमरा के लिए मिल लेंगे। मैं कितना पतला हो गया ना 40 दिन में, बहुत ज्यादा पतला। एब्स आ गए मेरे को सच में, ऐसा लग रहा है बिल्कुल यार, एब्स आ गए तेरी सही में। अरे वाह, तू आज कल सच में किताबें पढ़ रहा है भाई। ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये पढ़ रहा था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सीरियसली ये तू पढ़ रहा है? इंटेलिजेंट पीपल रीड बुक। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने, फिर तो मुझे भी पढ़नी चाहिए ना यार। अबे तेरे लिए नहीं है, उसने क्या बोला? इंटेलिजेंट बोला है ना, तो इंटेलिजेंट कोई तो तूने इससे सीखा क्या मुझे ये बता दे, मुझे पढ़नी नहीं पड़ेगी। मैंने इससे सीखा है तन की शक्ति, मन की शक्ति बहुत बेटा। तू बड़ा जरूर हो गया है, फिर भी तू छोटा है। तुझे तेरा गिफ्ट चाहिए, चला देते हैं। गाइस कुछ लाइन ही है वैसे। पहले गाइस आप ये लोग ये लड़की देखो, इतनी मतलब ये मेरे साथ पिछली बार मेरे चैनल पे 6 महीने पहले आई थी, 6 महीने पहले।
और अपने चैनल पे भी शेयर करता हूं। अपने चैनल पे हर रोज मेरे को वीडियो में डालते। बड़े भाई किस लिए होते हैं? इनको क्या ही पता है। क्या लेके आए हो अब्बू के लिए? अब्बू के लिए मैं लेके आया ढेर सारा प्यार, वो मुझे पता ही था। और ये लेके आई है ब्रेडने के लिए। मैं डाइटिंग पे हूं भाई। भाई तेरे साइज का गधा लेके आई हूँ मैं तेरे लिए। अरे चॉकलेट्स मत दो भाई। कल आके तूने यही तो खाई थी घर पे। मैंने डाइटिंग पे हूं भाई, पर मैं खा लेता हूं एक दो के नाम पर। मैं एक्चुअली नया गैंग शुरू करा है जो है पांडा गैंग। तो जो मेरे पांडा गैंग के मेंबर्स हैं वो चॉकलेट खाते हैं। मैं भी तो तेरी पांडा गैंग में हूँ। तू तो रियल पांडा। चलो आगे चलते हैं, जिनका बर्थडे हमने मिस किया उनसे मिलते हैं। पहले तो मम्मी से मिलते हैं डेढ़ महीने। ये कैमरा के लिए मिल रहे हैं वैसे। अब मैं मम्मी की एक बात बताती हूँ। मम्मी ने मेरे को फोन पे कहा, मैं तेरी सारी वीडियोस देखती रही, वॉन्डरर्स लाइफ वाली भी, और मैं सिर्फ ये देख रही थी कि एक बार तो मेरी बेटी शॉपिंग करते हुए कहेगी, माँ मैं तेरे लिए भी कुछ लेके आई हूँ। पर मैंने मम्मी को बताया नहीं कि मैंने उनके लिए लिया है। इट वाज अ सरप्राइज। सो आई गॉट यू समथिंग मम्मी। बट वैसे वो बिग पुच्ची मेरी चॉइस थी वैसे, है ना? अच्छा लेके मैं आया हूँ वैसे। अब मम्मी को अबू ने बोला था पिछले साल कि मम्मी पोलू जैसी जैकेट्स पहना करो। So I got her a very nice, amazing jacket. जैसी तूने येलो पहनी है वैसे। Similar to that man, woman, बिल्कुल proper winter clothes. Made in Nepal, not in China. क्या बोलते हो यार? अबू तू ऐसे बैठ नहीं सकता। मैं तेरी वीडियो में तभी आऊंगी जब तू मेरी वीडियो में आएगा। आपको पता नहीं है पर हम ऐसे ही करते हैं एक दूसरे के साथ, you know? If you come in my video, I come in yours. Otherwise, cancel. चलो बर्फ पड़ रही है। अबू कैसी लग रही है मम्मी तेरी पांडा टीम के हिसाब से? ऐसे लग रहा है मैं ना कहीं पहुंच गई हूँ बर्फ में। कहाँ पहुंच गई हूँ? बर्फ स्नो। और बाय द वे अभी आपको पता लग गया है निश्चय जयपुर अपनी शूट पे। अभी क्या कर रहा है वो? अभी मैं उससे परसों मिलने आऊंगी फिर हम कंटिन्यू करेंगे। पापा क्या है? पापा के लिए भी गिफ्ट है पापा, क्योंकि पापा को लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी तो पापा को गिफ्ट दे रहे थे। पापा को, पापा ये लो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन। पापा को ना वैसे आप लोग चाय पीना बहुत पसंद है। नहीं 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 किसी को पता नहीं है कि पापा को एक्चुअल में कटलरी का बहुत शौक है। तो पापा यहाँ अनबॉक्सिंग करते हुए और ये कर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे चार चार तो लगा के लाइए तो उंगल काट लेंगे भाई। मैंने पैकिंग थोड़ी करी है। अरे तुम दिल्ली के हिसाब से पैकिंग करी है। हमें दिल्ली लेके जाना है। सबसे ड्राई लाइट हम बताए। आराम से पापा, आराम से तोड़ दोगे पापा, तोड़ दोगे पापा। बहुत अच्छी चीज है, बहुत ओपी चीज है। केटल। ओ भाई ये है डिंपल्स किचन के किचन से मैचिंग। गरम चाय की प्याली हो, चाय के लिए स्पेशल कप एंड टीपॉट। यूनिक चीज है जो पापा को पसंद है। तो मुझे पता था पापा को क्या चाहिए होगा। आप दिखाओ इसे उठा के। गिरा मत देना, एक बार आपने ऐसे परफ्यूम तोड़ा था। मेरा पसंद तब आएगा जब तू पापा को इसमें चाय पिलाए। पापा कैसा लग रहा है? अल्टीमेट। चाय तो भरो इसके अंदर से। आपकी शर्ट से भी मैच कर रहे हैं। थैंक यू। इट्स ओके मैन। मम्मी आपके आम पापड़ खाए। ये मम्मी के लिए खट्टे मीठे आम पापड़ नेपाल स्पेशल। ये नोनू खा सकते हैं तो ये उसी के लिए थे, पर नोनू है ही नहीं। अब जब आएगा तब उसको खिलाएंगे। और ये आपका हर बार झुमलाते हैं स्पेशल। अच्छा सिक्किम स्पेशल तो मैं ही लगा देती हूँ। ओके तो ये एक और, बस ये हांगकांग वाला मैंने लाई, हांगकांग मकाऊ, ये सारे मैं लेके आई हूँ। ये आ गया सिक्किम। ये सिक्किम की याक यहाँ पे इसलिए लगी है ताकि ये दूध देती रहे। इस फ्रिज में हमेशा दूध रहे, घी रहे, कभी दूध और घी की कमी ना हो। तो गाइस बड़े दिनों बाद फैमिली से मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी कैमरा के लिए सब बंद करते हैं और कैमरा के बिहाइंड मिलते हैं। चलो ओके बाय। और ये डिंपल किचन में बन रही है कड़ी हमारे लिए। बड़े दिन हो गए थे डिंपल किचन की स्पेशल कड़ी खाए हुए। मैंने दाल बनाई थी, पापा ने कहा पोलू आ रही है तो मैंने फटाफट कड़ी बनाई। कड़ी दाल चावल बना रहे थे। मैंने दाल चावल बनाए थे अपने लिए। चलो भाई बढ़िया, आज तो मजा आएगा। 2000 years later. तो अभी आज फाइनली निश्चय ने मुहूर्त निकाल लिया। मेरा भाई वापस आ गया है जयपुर से और मुझे मिलने आने वाला है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। लिटरली 50 डेज हो चुके हैं सब मिले हुए एंड इट्स गोना बी फन। मैं उस पर एक छोटा सा प्रैंक करने वाली हूँ। जब वो घर आएगा ना मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी वो कौन है। थोड़ा स्टूपिड है बट की फर्क पैंदा है, स्टूपिड हरकतें करेंगे। कौन है वो, कहां से वो आया? Happy to meet you after 45 days. कौन आया है? ना निश्चय है यार, निश्चय है। खाली आ आ आ
आई साइट वीक हो गई है, लगता है कोई जॉन सीना हो गया है। सी मी हाँ, अरे यार कोई मेरा कोई एक दूर का सगे वाला था, कोई मेरे को मैसेज कर रहा था, आई नहीं आई नहीं, और जब मैं आई तो फिर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब गायब हो गया कहीं। ये बंदा कौन है, कौन है भाई, कौन है? मुझे पता नहीं लग रहा, don't do, just chill. No. अरे हमारे घर पे कोई मेहमान आया, उसके लिए कॉफी लाना मेरा फर्ज बनता है, मैं कॉफी ले आती हूँ, you know? Okay. क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। जो तू गधा लाई है वो एक गधे के लिए गधा लाई हूँ। मुझे समझ नहीं आया, इसने बोला ये गधे के लिए गधा लाई है, लेकिन ये तो टॉपिक आती नहीं है। वेरी फनी। ये ले। अरे अच्छा मुझे याद आ गया, हमारे घर साक्षात ट्रिगर्ड इंसान आए हैं, वही है ना जो फेमस यूट्यूबर यूट्यूब पे एकदम ऐसी वीडियोस बनाते सर के हंसी आ जाती है ना, ऐसी वैसी वाली। यस यस वही है, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ले लीजिए आपके लिए सर हर्षीज चॉकलेट। अब बस बहुत हो गया, ठीक है, अब तेरे को दिख भी रहा है वो ट्रिगर्ड इंसान नहीं, निश्चय बना रहा है। ये ऐसे कर रहे जैसे ये 15-20 साल बाद मिली हो, 15-20 साल मिलते हैं बाद, लोग ऐसे ऐसे हग करते हैं, ऐसे करके डांस करना शुरू कर देते हैं। पहचान रही है, इतना बड़ा हो गया तो छोटा सा था। एक पटकी खा ले। नहीं रुक, बस कर, क्यों इतना परेशान कर रही है, उसको खाने पीने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।